तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक इट इजी हैशटैग कंप्यूटर ग्राफिक्स पे। हम लोग बात कर रहे थे, अपने सीरीज ऑफ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने 2D ट्रांसफॉर्मेशन का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। 3D ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है आपसे कि आप जरूर जाके 2D ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो देख लें, उसके बाद इसमें आए आपको एक भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सब कुछ एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, जल्दी से इसको कर लेंगे। बहुत सिंपल है ये। इन 3D हम लोग के पास 3 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x, y और z। बाकी पूरा काम एज इट इज है। हम लोग के पास ट्रांसलेशन है, स्केलिंग है, रिफ्लेक्शन करेंगे हम लोग, रोटेशन करेंगे, शियरिंग नहीं करेंगे यहां पे, ठीक है। अब देखिए, हम लोग अच्छे से जानते हैं, अगर हम लोग को एक नए कोऑर्डिनेट चाहिए हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, अगर हम लोग को नए कोऑर्डिनेट चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए रहता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को? सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए। अगर हम लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख लेते हैं तो बस क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बस करना है, जो कि हम लोग अपने क्लास 1-2 से सीखते आ रहे हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। सबसे पहले 3D ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल वही आईडिया है। वहां पे TX TY बस होता था, ट्रांसलेशन वेक्टर्स या फिर शिफ्ट वेक्टर जिसको बोला जाता था। यहां TZ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, बस ये अगर हम लोग लिख लिए, बाकी तो एज इट इज है। देखिए 1 पूरे डायगोनल में है, TX TY होता था वहां पे, यहां पे TZ भी आ गया। और ये वाला हम लोग लास्ट वाला क्यों लिखे हैं? होमोजेनियस कोऑर्डिनेट। हम लोग क्या बनाते हैं यहां पे, 3 एलिमेंट वेक्टर बनाते हैं, जिससे हमारा जो प्रोसेस है ये थोड़ा फास्ट हो जाता है। और यहां पे बस आपको लिखना है पुराने कोऑर्डिनेट्स x, y, z और ये 1 होमोजेनियस के लिए, ठीक है। अब स्केलिंग की अगर बात करें, स्केलिंग कैसे होगा? देखिए वहां पे एस डेल एक्स या फिर डेल वाई बस होता था, यहाँ पे डेल जेड भी आ जाएगा और बाकी एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो देखा है तो इस वाले वीडियो में एक भी दिक्कत नहीं होगी आपको। बस आपको सिर्फ और सिर्फ ये मैट्रिक्स बस ध्यान रखना है, ठीक है। 3D रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन करेंगे तो मैट्रिक्स हमारा ये हो जाएगा। वहां पे भी ऐसा ही कुछ था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और ये कॉस थीटा। देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग इसको RX बोल दिए, RY बोल दिए हम लोग वाई एक्सिस के, तो आपको यहां पे यही चीज बस ध्यान रखना है, ये cos थीटा है, ये sin थीटा है, ये माइनस साइन थीटा है और ये cos थीटा है। बाकी ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये होमोजेनियस वाला तो यहां पे और बीच में यहां पे वन आता है, यहां पे, ठीक है, साइड में हम लोग के कॉर्नर्स पे वन है, यहां पे ये बीच पे एक वन है और ये वाला तो हमेशा रहता ही है। और यहां पे क्या है हम लोग का, इस तरफ पे वन है, इसमें बीच में ये है हम लोग का, ठीक है, यहां पे बीच में वन आ गया और यहां पे इस तरफ वन है और ये वाला तो होमोजेनियस के लिए सेम रहता है। तो रोटेशन अबाउट z एक्सिस भी देख लिए, y एक्सिस भी देख लिए और x एक्सिस भी देख लिए, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स सबके ध्यान में होना चाहिए। क्या रहे हैं आखिर हम लोग जब रोटेशन करते हैं, जब भी हम लोग रोटेशन करते हैं x एक्सिस के अबाउट, तो जब भी मैं x एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं ना, तो क्या मेरा x कोऑर्डिनेट चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए x कोऑर्डिनेट को यहां पे हम लोग 1 रख दिए, ठीक है, यहां पे y कोऑर्डिनेट को 1 रख दिए और यहां पे z कोऑर्डिनेट को 1 रख दिए, बाकी cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा, बाकी दो एक्सिस के अबाउट क्या कर देना है हम लोग को, चेंज करना है। ये वाला x के लिए रहता है, ये वाला लाइन y के लिए रहता है, ये वाला कॉलम z के लिए रहता है और ये वाला क्या है हम लोग का, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल अप्रोच है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो, ठीक। बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 3D रिफ्लेक्शन के बारे में। xy प्लेन के अबाउट कर सकता हूं मैं, yz प्लेन के अबाउट कर सकता हूं मैं और zx प्लेन के अबाउट कर सकता हूं। बहुत सिंपल है, देखिए अगर मैं xy प्लेन के अबाउट करूंगा ना तो z वाले कोऑर्डिनेट को, xy के अबाउट कर रहा हूं तो z वाले को आप नेगेटिव कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे आप खुद ही सोच के देखिए, अगर मेरा कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस और ये मेरा z एक्सिस, अगर मेरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, यहां पे अगर मैं इसको रोटेट करता हूं xy प्लेन के अबाउट, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो ये जो मेरा z xy के अबाउट अगर मैं रोटेट करूंगा तो क्या मेरा xy वाला चेंज होगा? क्या नहीं होने वाला xy चेंज, लेकिन इसका z कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसके अबाउट रोटेट करूंगा ये जस्ट अपोजिट साइड में आ जाएगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसके लिए, माइनस z एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए मेरा z कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे z कोऑर्डिनेट जो है वो उसको नेगेटिव ले लेना है, यहाँ पे yz के अबाउट किए तो x वाले कोऑर्डिनेट को नेगेटिव लेना है और यहाँ पे zx के अबाउट किए तो y वाले को नेगेटिव लेना है, बस इतना करना है आपको। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख देना है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अगर आप लिख देते हैं तो बस कुछ नहीं, वही जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन वही कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर गिवन मैट्रिक्स हम लोगों को क्या करना है, पहले अप्लाई रोटेशन अबाउट 45 डिग्री, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट करना है पहले, फॉलोड बाय रोटेशन ऑफ 45 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस, और डिटरमाइन करना है रिजल्टेड मैट्रिक्स। ये अपने को मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोगों को क्या बोल रहा है कि वाई एक्सिस के अबाउट 45 डिग्री घुमा दो, तो ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है, ये हम लोग लिख दिए। ये हम लोग का एक्स एक्सिस के अबाउट होता है, ये लिख दिए। अब हम लोग क्या करें यहाँ पे, कंपोजिशन करें, एक साथ दो चीजें कर रहे हैं। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं जो वाले प्रोसेस को करते हैं उसको पहले लिखते हैं Rx, फिर क्या लिखते हैं हम लोग Ry, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्टेंट आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आपका दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको एकदम मेहनत नहीं करना है ना, लेबर वर्क नहीं करना है इनको मल्टीप्लाई करने में, सिंपल आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आया ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब ये जो मेरा रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, इसको आपको सिंपल जो भी आपका गिवन मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गया मेरा लास्ट फाइनल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे रोटेशन कर दिए। ये जो हम लोग को दिया था गिवन मैट्रिक्स, इसका हम लोग 45 डिग्री अबाउट y एंड 45 डिग्री अबाउट x कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर लेते हैं और अपना 3D का कांसेप्ट खत्म। ट्रायंगुलर पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड मतलब पैरेललोग्राम का जो 3D स्ट्रक्चर होता है, जिसका लेंथ है यहां पे कितना, 3 यूनिट, और यहां पे ये x एक्सिस का लेंथ है, ठीक है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन का लेंथ कितना है, 2 यूनिट, और z डायरेक्शन का लेंथ है 1 यूनिट। ऑन x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली परफॉर्म रोटेशन बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए अभी तक के हम लोग एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पे बोल दिया क्लॉकवाइज रोटेशन करना है आपको अबाउट x एक्सिस। तो x एक्सिस के अबाउट अगर मैं रोटेशन मैट्रिक्स लिखता तो ऐसा ही कुछ लिखता हूं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। x एक्सिस के अबाउट हम लोग रोटेशन मैट्रिक्स अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का रहता है। देखिए अभी तक के हम लोग क्या, ये जो मैट्रिक्स हम लोग लिखे थे और 2D में भी जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिए थे। तो अगर क्लॉकवाइज सेंस में आ जाता है तो आपको कुछ नहीं, थीटा को क्या लेना है, माइनस थीटा लेना है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस साइन थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। बस यही चीज को आपको बस पुट कर देना है। तो आपके पास ये आ गया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको दिक्कत क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, तो भैया एक तो पैरेलल पाइप बनाओ, ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। भैया लेंथ यहाँ पे 3 यूनिट दिया है एक्स एक्सिस में, 3 3 3 3 ऐसा लिख दिए, ठीक है, और वाई एक्सिस में जो लेंथ है वो कितना है हम लोग का, 2 यूनिट है, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ठीक है, और जेड एक्सिस का लेंथ जो है वो 1 है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंट कर दिए। ए जो है, ए मेरा सबसे पहले ए कहां पे, जेड एक्सिस पे, तो सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, बाकी 0 0 होगा, तो इस तरीके से लिख दिए। फिर मेरा बी जो है एक्स जेड प्लेन में है, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो ये 0 है, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना है, 3 है, और वाई का कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा और जेड का कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। सी की अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस में है, तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, ये भी हो गया। डी कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स वाई प्लेन में है, मतलब जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, जेड कोऑर्डिनेट को हम लोग 0 कर दिए और एक्स वाई कोऑर्डिनेट डाल दिए। ई की अगर मैं बात करूं तो वाई एक्सिस में है, मतलब कि एक्स और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। जी की अगर हम लोग बात करें, जी हमारे तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप खुद ही इमेजिन करके देख लीजिए, जी जो है वो 3D है, वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हो गया, और एच तो हम लोग का ओरिजिन है। ये हम लोग अगर लिख लिए हम लोग का काम हो गया, आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, इस तरीके का। ये हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये हम लोग लिख दिए। कैसे लिखे, 0 0 1 पहला कोऑर्डिनेट, ए जो है हम लोग का 0 0 1, और लास्ट में 1 1 क्यों लिखे, तो भैया होमोजीनियस मैट्रिक्स बनाने के लिए और कुछ नहीं। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4x4 और 4x8। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये इंटू ये प्लस ए इंटू ये प्लस ए इंटू ये प्लस ये इंटू ये पहला एलिमेंट होगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो मैं उसके बारे में ज्यादा यहाँ पे नहीं बताता, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किए हम लोग ये दोनों मैट्रिक्स को, तो ये आ गया, और ये हमारे रिजल्टिंग कोऑर्डिनेट। देखिए 0 1 0 ये ए डैश हो गया, ये 3 1 0 मेरा बी डैश हो गया, ये 3 0 0 मेरा सी डैश हो गया, ये D डैश हो गया, E डैश हो गया, F डैश हो गया, G डैश हो गया, और ये H डैश हो गया। ये सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए और मेरा काम हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा 3D ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए हैं। अगले वीडियो में मिलता हूं, जहां पे विंडो व्यू पोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं उसके ऊपर भी एक एक करके चर्चा करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।